तो ये उसकी शक्लें होगी। अब ये हो सकता है कि इंसान बीमार है, उसको साइनस हुआ हुआ है, फजर में उसको बड़ा मुश्किल होता है या ईशा में सर्दी बढ़ने की वजह से। बहरहाल हम जिन इलाकों में रहते फिर भी सर्दी कम होती है, लेकिन आप थोड़ा सा ऊपरी इलाकों में चले, नॉर्थ इंडिया में चले जाइए, सर्दी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। हत्ता कि सर्दी के महीने कभी कभी 6-6 महीने तक चलते रहते हैं, सर्दी के दिन 6 महीनों तक चलते हैं तो वहाँ होती है। और सर्दी बड़ी सख्त होती है आदर की, छोटी मोटी। इसी तरह उन इलाकों में आप चले जाइए जो बर्फीले इलाके हैं, ठीक, वहाँ भी यही मसला होता है कि बहुत लंबा वक्त होता है जब जो है या दिन बहुत जल्दी निकल जाता है, ठीक है, या बहुत वो होता है, तो उस वक्त क्या होता है इंसानों को तकलीफ होती है अदरक की वजू करने में इसमें, तो वहाँ ये बहरहाल अहकाम उनको काम आ सकते हैं। जैसा कि हमारे पास बहरहाल अगर आप जानते हो कि एक साहब आते थे, मार्क हैमर उनका नाम था, पर उन्होंने इस्लाम कबूल किया, वो कनाडा के रहने वाले थे, उनसे बहरहाल ईमेल के जरिए बातचीत होती है, तो मैंने उनसे ऐसी बैठे ईमेल पे वैसी बूढ़ा चैटिंग के अंदर कि मार्क आप ईशा कब पढ़ते हो, तो वो हाँ 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 वहाँ से लिख कर भेजा, बहुत मुश्किल होती है बोले मुझे, मेरे लिए तो ऐसा है बोले कि इस्लाम कबूल किया और फंस गया बोले, मजाक से कहने लगा कि हमारे पास ईशा का वक्त है अव्वल वक्त 11:15 है रात में और फजर 2:45 है, सिर्फ 3 घंटे की रात है, 11:15 ईशा है और 2:45 रात में फजर है। अब अंदाजा सिर्फ 4 घंटे की रातें हैं, कनाडा के वो ऊपरी इलाके में रहता है जहाँ दिन लंबे हैं 20 घंटे के और रातें 4 घंटे की चल रही है। तो कहा मैं तो बहुत बुरा फंसा हुआ हूँ यहाँ बोले, इसलिए कि सर्दी का ये हालत है, कभी नल खोले तो बर्फ जमी हुई रहती और उस पर रात में 11:15 अव्वल वक्त है ईशा का और फजर शुरू हो जाती 2:45 सुबह, तो बहुत मेरे लिए मुश्किल जा रही है बोले, मैं रात में नहीं सोता हूँ बोले, दिन में सोता हूँ, तो रात में ईशा पढ़ के फिर फजर पढ़ता हूँ और फजर पढ़ के फिर सोता हूँ, तो जहर थोड़ी सी ताकीद से। तो ऐसे इलाकों में इन लोगों को सहूलत होती, बीमार हो जाए मुश्किल है, और कहीं भी बहरहाल ये जरूरी नहीं कि यहाँ का हो, सर्द इलाके अरब ममालिक में भी होते हैं, सर्दी बहुत तेज होती है, वो दिन में गर्मी भी सख्ती होती है, रात में सर्दियाँ होती हैं। हिंदुस्तान में हम जो इलाकों में रहती है थोड़े से मीडियम इलाके हैं, औसत है, यहाँ ज़्यादा गर्मी भी नहीं ज़्यादा सर्दी नहीं, साउथ इंडिया में गर्मी ज़्यादा है, नॉर्थ इंडिया में सर्दी ज़्यादा है। तो बहरहाल ऐसी मुश्किलात आ सकती है कि आप बीमार हो और इस्तेमाल पर खादिर ना हो, पानी बाजू ही है आपकी लेकिन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, सर्दी की शिद्दत की वजह से या पानी की गैर गर्म होने की वजह से, कि पानी चूंकि ठंडे से आप नहाएंगे बीमार हो जाएंगे, या बीमारियां होती इंसानों को, मिसाल के तौर पर किसी को साइनस की बीमारी होती, पानी इस्तेमाल के वजह बीमार हो गया, सर्दी में निकला बीमार हो गया, तो तमाम के लिए चीज़ मौजूद